अंदर कमरों की बनाए, इधर की बनाए, लेकिन तैयार हो गया है तकरीबन, ये साल लगेगा बस। बस साल, ये देखो कलर के मैंने वो भी नमूने भी लगाए हैं। हाँ, अब कौन सा कलर लग करेंगे, बस फिनिशिंग ले गई इनकी भाई। यहीं से होगा रास्ता, ये पार्किंग है। ये किचन बाहर क्यों देंगे? नहीं बाहर देंगे ना, ये गुस्से के साथ में नहीं बनाया ना। देखे एक तो ये रूम हो गया अटैच बाथ, हाँ समझ रहे, एक ये रूम हो गया, एक ये रूम हो गया, समझो जी, एक ये रूम हो गया। ओपन किचन नहीं है, है? किचन ओपन नहीं है, ये है, ये होगा किचन, क्योंकि हमेशा किचन की खिड़की डली होती है। इसमें देख लो इसमें कैसा है, नहीं खिड़की तो ये ओपन, तो वो तो यहाँ से तो बंद है, ओपन क्या करना है वहाँ पर, वो भी रूम थोड़ी होता है, वो तो रास्ता है। कौन सा ये तो रास्ता, हाँ, है तो फिर खिड़की इधर क्यों देंगे? किचन की खिड़की नहीं देते बाहर से, किचन की ये बालकनी ये तो, ये तो किचन के आगे ये तो नहीं देंगे, ये तो वॉशरूम बनाएंगे, है ना, किचन यही हो। ये देखो ये तो रास्ता है, ये तो रास्ता है, ये रास्ता है, लेफ्ट का है, ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है। एक जैसे ही है सारे, एक बस ये एंट्रेंस है, एक ये रूम आ गया, इसको ड्राइंग रूम रख लो, कुछ भी रख लो, ये तुम्हारा जो है ये लाउंज है, ओपन किचन दे दिया, ओपन किचन होगा। ये है, हाँ, एक दो तीन चार, ये बालकनी बड़ा है,
ये मेरे ख्याल पाँच रूम वाला है, पाँच रूम वाला है। हाँ आपका चार रूम वाला वो कंप्लीट हो रहा है, वो अभी नहीं हुआ है। नीचे पार्किंग है हमारी, बालकोनी उस साइड पे, मेन रोड की साइड पे, ये अंदर की साइड पे। आपको वो वाला ही करना है। आ जाओ ये जो है ना, ये ईस्ट ओपन है, इसमें उधर नहीं है, इस साइड पे। उस साइड पे है ही नहीं, ये इस साइड पे वही बालकनी है। ये ईस्ट ओपन है, ये बेकार ही है। आपका तो वो है ना जो बनना है ना, वो फ्रंट पे।